हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। काली मौसी कारे पाठिया समर समर गए देख ले बिट्टनिया देख ले मैं भूखन मरत हूं। अच्छा भूखन मरत हूं तो सदरान सुनता है से देख ले हे रे बिट्टनिया देख ले मोरे मौसी का गचड़ गचड़ खड़े थे मोरे लिए खागा कुछ नहीं लावती है मोरे काकी मोरे तो भूख लाग है हेल मौसी कारे पाठिया आज काल कौनो दावतो नहीं होते कि पेट भर पूरी खाए का मिले रे वो ऐलान हुआ है महाराज के दरबार में आज चला वहाँ पूरी खाए का मिली रही हाँ। देख ले मोड़ी बप्पा ऊंचा हाड़ की बाजार से चना लई के आवा है यही कमे चबाता हूँ बड़ी देर से। अच्छा आएगा दे दे कलल कई का देख ले अरे रचका लिया तो बुखान है सब पठिया मर भूखान होई चल राजन के दरबार में जयकारा मनावा जाए। हे मौसी चली चली पुनी शर्मा जी के कोठे पड़ हुआ बढ़िया बढ़िया भोजनी खाए का मिली चढ़ी है चाल भी चले मोड़े जुग्गी में मोड़ी मन सारे पाठिया चाल वासे बोकरा गिर हो या मोड़ी उड़ी ले आवे थे फिर मेरा ही लगाए के फिर धावे के फिर कोड़ाए खोई हाँ सब मर मर दवाई एक पावे नीड़ा ही पी के रोज ढकिला रहा थे पुनी शर्मा जी अरे मंगा दे शर्मा जी दुई अधी हे मौसी आज काली कौनो तो नहीं ना की बुलाई ले जाए कहूं दावती बाबा दिखाए का मिले अरे चल काकी मुड़े तो बहुत तेज भूख लाग है ये भूखड़ी मरे थे बिचारी दुबड़ा गए भैया मोहका ता पठिया मिल जाए दो साथी अगर लगा लिया तो फिर मौका देख कैसे कोड़ाती हूँ। हे मौसी मौका भांटा के सब्जी बड़ी पसंद है। भांटा के सब्जी तो शर्मा जी से कह दे एक क्विंटल भांटा मंगा दे खा ले फिर अरे भाई भांटा खा दे करी हूँ तो पहले खाए बैठा मरी जाते मेरे कहीं अरे खवा दे देख कौन आवाज लगावा थे कौन आवाज लगा चल मैं आगे चलाता ही छोटो अजय भाई जी यार हाँ ये कुचरिया वाला कोठा तो बिल्कुल एकदम खाली पड़ा है यार एक आदम तलन देख के गए ना कि कोठा खाली पड़ा है तो ताला लाख है यार एको बाइन नहीं ना एको बाइन है ना फिर कौन कोठा चला जाए ऐसा करो आओ चली भदिया वाले कोठा देखी हुआ हो सका हुआ था। तो यार बड़ा भारी कोठा हुआ आओ हमारे साथ चली भदिया तो चलिए भदिया पर के कोठा पर हे भैया कहिए भाई जी यार चला चला थक परिन कोनो एको दिखाते नहीं कि गाँव रत्ते परिणाम कोनो दिखाए तो बला लीन जाए हाँ यार हे भैया हाँ हमका लागा दिया वह हुआ ब्रजवासी नहीं कहा खड़ी है सब हुआ हाँ यार लागा तो हो जाना वही यही सब ही है हाँ यो तो गावे बजाए वाली हुई है हाँ यार है तो तीन चार थे यार ऐसा करो ना आओ चली यही ब्रजवासी जो हवाए इन्हीं के पास चली और इनसे बातचीत की जाए गावे बजावत यू हवा यार चलो फिर चला जाए आओ इनसे बात की जाए चलिए फिर करे कजवा काहे का किचड़ी किचड़ी मरा जाते रे थोड़े नाश हो जाए का किचड़ी किचड़ी अरे कसम बोला तो है यार छोटो या पहले बताओ तुम लोग कहाँ जा रही हो अरे हम लोग दावत खाए जात रहे नहीं लंबड़ दाड़े खिया दावत खाए जा रहे लंबर ठीक है निराही देखो हम तुम्हारे सब व्यवस्था कर दे पे लेकिन ये पहले बताओ कि तुम लोग नाच गाना कर लेती हो या नहीं का सुनहे लंबड़ी दाड़ अरे गाना वाना जाना तो कि नहीं हाँ मैं गाना सब जाना तो
गेहूं जानी, मटर जानी, दाली जानी, कौन दाना ना जानी, सब जानी रे। अरे भाई लंडी, ओ भाई जी आए सुनो, हम दाना के बाद नहीं गए क्यों, गेहूँ चौर आटा दाल चना मटर बतावत हो। अरे गाना 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 गीत गीत। हाँ मैं खूब गीत जाने, कौआ जाने, सब जाने रे। अरे गीत कौआ चील नहीं पूछी तो का सुनबे। अरे गाना बजाने फिल्म उल्मी गाना कव्वाली गजल। अच्छा ए लंबड़ी दाड़ी। हाँ। गजाला सुनी है कि कव्वाला सुनी है? अरे गजाला कव्वाला कुछ सुनाओ, लेकिन जौन सुनाओ अच्छा सुनाओ। देखिए हमारे इस जो सुंदरगढ़ रियासत है, ये यहाँ के हमारे सम्राट सूरसेन हैं। हाँ। और उनके इकलौते बेटे राजकुमार सूर वो वीरसेन का 20वीं सालगिरह है। हाँ। इस खुशी में सारा नगर सजाया गया है। हाँ। इसीलिए तुम लोगों को मैं राज दरबार ले चलूंगा, अगर अच्छा गाना बजाना करोगी तो महाराज तुम्हें मुंह मांगी इनाम देंगे। पहले बड़ी बात सुन, मौका वहाँ पूड़ी उड़ी खा का मिली कि ना मिली रे? अरे पूड़ी मिली, कचौरी मिली, सब डंडा मारे भाई, खूंटी टूट गया है। चलो अच्छा है, चलो वहाँ खाए का मिली कि ना मिली। अच्छा ये पहले बताए के का नाम है? एक नाम का है, एक या मोड़े पठिया बिटनिया हवे रे, बिटनिया है बिटनिया का नाम जाने के। ये बधिया है? अरे तोड़ ना सो जा, बधिया नहीं आंडू है, के नाम है जनता का नाम? अरे ये पठिया होवे, पठिया 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 बे, हम कहीं बधिया है। ए कजवा चले बड़ी जोड़ के भूख लगे, पहले मौका भाटा के सब्जी पेला दे कस के गचड़ा। घबराओ ना, तुमका पूड़ी खाओ, कचौरी खाओ, सब्जी लेकिन भाटे का खाओ। मौका भाटा बड़ा पसंद है, खाए बैठा ये एक निर्मलिया ना हो का ना? निर्मलिया हो वे, हम रज कलिया हम एक बिया भाग नहीं मौसी है वे, मौसी है मौसी है मेरे कहा तोर मौसी है, तोर मामा लागत है मौसी है, तो मां मौसी है। अच्छा ये पहले बताओ हमें, एक बिया नहीं भाई के निर्मलिया तुम्हें बिया भाग? कजवा ही अब बिया के बात करे आवा ना, चल वहां पर गाना वाना सुन आवा है बात करे, चल देखे चल चल चल। का बात है? कैसे ब्याह करी है? हाँ हाँ। एक ब्याह में 14,000 के भैंसा बेची हूँ। कितने का? 14, पूरे 14,000। अरे चुप भाई लंडी, नहीं तो 14-14 लगाए है। अरे जब तो इसे नाम नहीं आवर तो एक कम बताओ या तो एक ज्यादा बताओ। नहीं पूरे एक दो कम नहीं, पूरे 14,000 का। अरे चुप, 14,000 चौदह यार कहा, 14,000। हाँ चल 14,000, 14,000 चल 14,000। अच्छा आओ, अच्छा तुमका राज दरबार। हाँ तो देखिए, ये हमारे महाराज का राज दरबार है, और तुम्हें यहाँ जो तुमको सबसे अच्छा गाना आता हो, बढ़िया गाना आता हो, वो आप गाना सुनाइए। अगर महाराज व यहाँ के अन्य कर्मचारी अगर खुश हो गए तो महाराज तुम्हें मुंह मांगी इनाम देंगे। ठीक है लंबड़दार, ठीक है। हाँ अच्छा से कोई गाना, ठीक है मुड़े रजकलिया, खूब बढ़िया बढ़िया गाना जाना थे, सुना दे रजकलिया सुना दे। मोरी ग्वाहा चली है पताल, बसंता कंता लेके आयो ना, मोरी ग्वाहा चली है पताल, बसंता कंता लेके आयो ना। Take a
जा बसंता पहुँचा बिल के पास के खंता पहुँचा बसंता पहुँचा बिल के पास हुमक के खंता मरी बसंता निकल आई है गा मोरी गाहा चली है पताल बसंता ठंता लेके आयो ना मोरी गाहा चली यही तरह गाँव नहीं सुने का हुई गा लंबड़ी धाड़ी का हुई गा बोल ये पे जात धीरे तरी वाला गाना सुना रही है तो कौन सुनी है लंबड़ी धाड़ ये दारू पी के कोड़ा रही है अरे कोनो अच्छा गाना सुना है बसंता खंता पता नहीं कौन धीरे तरी वाली नीक नीक गाना सुनी है अरे राज दरबार वह हिसाब से चुप हो जा मैं सुनावा तो चुप हो जा हां कोनो बढ़िया सुना अरे ना भैन गड़रिया कि ना भैन गड़रिया अरे का बताई भाई ना भैन गड़रिया का बताई भाई ना भैन गड़रिया ना भैन गड़रिया हो ना भैन गड़रिया का बताई भाई 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 ना भैन बदतमीज कहीं की नालायको यहाँ पे नौटंकी करने आई हो ये गाने का कोई तरीका है तुम्हारा डलवा दूंगा जेल के अंदर सड़ जाओगी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी नालायक कही कि बेशरम क्यों विक्रम सिंह सामने आओ इन लोगों को लाकर के हमारे कोर्ट में डाल दिया है तुम जिसे चाहो उसे लाकर के यहां डाल दो ये दरबार है या कबाड़खाना है इनके गाने का कोई तरीका है स्वर क्या होते हैं मालूम है इनको म्यूजिक इज एन ओसियस इन द डिजर्ट ऑफ लाइफ संगीत जीवन की मरुभूमि में एक निकलित शान है अगर संगीत चाले तो मरी हुई जमीन में निखार उत्पन्न आ जाए म्यूजिक इज ए मेडिसिन ऑफ द ब्रोकन हार्ट संगीत टूटे हुए दिलों की एक औषधि है और इनके गाने का कोई तरीका है इन्हें जाकर के कह दो समझा दो अगर कोई गाना अच्छा जानती तो बोले अन्यथा यहां से बाहर कर दो नहीं तो इसका सारा रिस्पॉन्सिबिल तुम्हारा होगा जवाब दे तुम भरोगे नालायक हो जिसे चाहो उसे लाकर के यहां डाल दो यहां कोई नौटंकी हो रही है कोई कबाड़खाना है क्या चलो इधर चोरे ये सम्राट का दरबार है जैसे मिल्खा की ब्रजवासिन की गिरा रही है अगर जी तुम लोगों को कोई अच्छा सा गाना आता हो तो दरबार में पेश करो अन्यथा यहाँ से ठोकर मार करके निकाल दी जाओगी अरे लंबरदार और पठिया गाइस है ये रच के लिया गाइस अब मुंह से सुन लंबरदार बढ़िया गाना सुना तो होगा भाई चल लंबरदार लेकिन मौका भरपूर पेट खवा देहा कम से कम बढ़ाओ ना तुमका तुम्हार पेट फुला दे भाई हम हाँ, लंबरदार महोचैत की ऐसे फूल आऊ हाँ, तुम एक बार समझ लो पहले ये राज दरबार आए कौनो तुम्हार जुग्गी ना आए जो हमारे दारू पी के कोड़ाए रहे अरे भूल होई गई लंबड़दार बड़ी जोड़ के भूल होई गई मौका माफ कर दे लंबड़दार माफ कर दे बढ़िया बढ़िया गाना सुनाओ और ना और नहीं अंदर डाल दे भी एक दिन तो निकाल भूल अरे ना लंबड़दार अंदर ना डाल अबे भरपूर
को मैं बस लूंगी, आज का बदला मैं बस लूंगी, छेड़ न मुझको मैं बस लूंगी, जंतल मंतल जादू टोना ये तो नम है खेल खिलौना, मुझे पल चलेगा ना चोरू तेरा, मैं ना गम तू सपेरा, मैं ना गम तू सपेरा। मोहिनी, अब हमें जिस काम के लिए आई हूँ वो काम करना चाहिए। क्यों नहीं हुजूर? चलो जाओ, मैं महाराज को देख रही हूँ, और तुम सब लोग जाओ महाराज सूरसेन का पहले खजाना लूटो, ये जिससे सारी रियासत को खैरात बंटवाते हैं गरीबों में, वो खजाना पहले लूटो, उसके बाद लूट कर खजाना हमारे पास आओ, उसके बाद देखो मैं क्या करती हूँ उनके जैसे साथ। जैसे आपकी आज्ञा हो। और सारा दरबार अब मदहोश हो गया। मोहिनी राशि, महाराज का खजाना लूट लिया? क्यों नहीं? और दासी, जिसके लिए मैं सदियों से तड़प रही थी और मिलने के लिए, आज वही प्रेमी को तुम लोग देखना चाहती हो? कौन है आपका प्रेमी? मेरा प्रेमी जिसके लिए भटक रही हूँ और मिलने के लिए तड़प रही हूँ, मेरा चाहने वाला, मेरा प्रेमी ये बैठा है। क्या मेरे हुजूर, ये आपका प्रेमी है? अरे वाह, कितना खूबसूरत है आपका प्रेमी। हे, बड़ा खूबसूरत प्रेमी है हो, बड़ा खूबसूरत है, लेकिन इसे मैं अपने गले से भी नहीं लगा सकती मैं, लेकिन इस महाराज को कैसे एहसास होगा कि हमारे महल नागरानी पहुंच चुकी है। अब यहाँ तक मैं आई हूँ तो इस महाराज के लिए कुछ करके जाऊं कि ताकि ये एहसास इसको हो कि नागरानी यहाँ तक आई है। कैसे एहसास होगा इसे? मेरे हुजूर, मैं उपाय बताती हूँ। हाँ, कोई उपाय बताओ। मेरे हुजूर, इसका एक पैर पत्थर का बना दिया जाए ताकि इन्हें एहसास हो जाए कि नागरानी यहाँ तक आई थी। बहुत अच्छी बात है मोहिनी, तूने सही कहा, ताकि इसका पैर, दहना पैर पत्थर का हो जाएगा तो ये घुट घुट कर मरेगा, तड़प तड़प का मरेगा, तब इसको एहसास होगा कि मेरी और नागरानी की दुश्मनी क्या थी। ठीक है, मैं इसी वक्त। और मोहिनी, चलो मैं अपने प्रेमी से अभी नहीं मिलूंगी, आ एक दिन मेरा प्रेमी मेरी ओर अपने पैरों द्वारा चलकर जब आएगा, तब इसे हंसकर प्यार से अपने सीने से उसी दिन लगाऊंगी। बहुत अच्छी बात है। चलो, और मैं चल रही हूं। चलिए। Thank you.
विक्रम सिंह, ए विक्रम सिंह, ये क्या हो रहा है? सो रहे हो? ये कोई सोने की जगह है यहाँ पे? हैं? और जो नाचने वाली नृत्यका आई थी उनको क्या हुआ? उन्हें कुछ दिया गया या खाली हाथ चली गई यहाँ से? महाराज, अरे बेटे, ना मालूम मुझे क्या हो गया, दरबार में आंखें बंद हो गई। दरबारी, आए दरबारी, दरबारी, सब के सब सो रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है? आज पहली बार देख रहा हूं कि हमारा कोर्ट बिल्कुल मदहोश हो चुका है। क्या बात है यार, कहे के सोवे नहीं देते यार, नींद खराब है। जो नर्तकी दरबार में नाच गाना का प्रोग्राम हाँ। कर रही थी हाँ। उन्हें कितना इनाम दिया गया? कहे चली गई कहा? तुझे भी नहीं मालूम? हमका कहा पता, हम तो सोए गए रहे। जा, वो थोड़ी ही दूर गई होंगी, उनका इनाम दे करके आओ। ठीक साहब, आप बैठिए, मैं अभी इनाम देकर आ रहा हूँ। विक्रम सिंह, ये सब अचानक क्या हो गया? सारे के सारे लोग सो गए, मेरा बेटा भी सो गया और मेरे को भी नींद आ गई, ये सब अचानक कैसे हो गया? महाराज, महाराज, बहुत गजब हो गया। क्या हुआ? मेरे धानवीर सम्राट, शाही खजाना लूट गया हुजूर। क्या शाही महाराज, आपको क्या हुआ? क्या हुआ पापा? क्या हुआ महाराज? पापा, नो बेटे, नो नो बेटे, मेरे पैर को क्या हो गया? क्या हुआ महाराज? नो बेटे, विक्रम सिंह, मेरे पैर को क्या हो गया? क्या हुआ पापा? मेरा पैर किधर को भी फोल्ड नहीं कर पा रहा, ऐसा मेरे को आभास हो रहा है कि इसे पाषाण का होकर रह गया हो। महाराज, बिल्कुल स्टोन जैसा लग रहा है। ये क्या हुआ आपके पैर को? क्या हो गया महाराज? नहीं बेटे, बहुत तान हो रहा है। विक्रम सिंह, एक एक तरफ मेरा खजाना लूट गया और दूसरी तरफ मेरा पैर पत्थर का हो गया। राम सिंह के मरते ही मेरा सब सर्वनाश हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? घबराइए नहीं महाराज जी, मैं अभी पुरोहित को बुलाता हूँ और पुरोहित से जानकारी करूंगा। ये सम्राट का पैर पत्थर का कैसे हो गया? जाइए पुरोहित जी को दरबार में हाजिर। जैसी आज्ञा हुजूर, मैं अभी जाकर पुरोहित पंडित जी को राज दरबार में हाजिर कर रहा हूँ। राम पति न पावे सीता राम जय। महाराज, आज भरे दरबार हमें किस लिए याद किया गया? राजन, राजगुरु को सूरसेन का प्रणाम स्वीकार को। आयुष्मान भाव राजन, मंत्री विक्रम सिंह का प्रणाम स्वीकार, कल्याण हो। गुरुदेव, राजकुमार वीरसेन का प्रणाम स्वीकार हो। गुरुदेव, चिरंजीव भव वस्तु। राज दरबार के दरबारी का प्रणाम स्वीकार हो। गुरुदेव, खुश रहो पूत। प्रभु, ना जाने क्या हुआ, अचानक मेरा खजाना लूट गया और इधर देखो, मेरा एक पैर बिल्कुल पत्थर का हो गया है, ये किधर को भी नहीं मुड़ पा रहा, लगता है मेरी मौत करीब आ चुकी है। नहीं महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? आप
सैकड़ों वर्ष तक जिएंगे, ये मेरा आशीर्वाद है। तो क्या इसी तरह एक अपाहिज की जिंदगी जीता रहूंगा, इससे तो बेहतर है मेरे को मौत ही मिल जाए। नहीं राजन, घबराए नहीं, हम आपके ठीक होने का कोई ना कोई उपाय जरूर निकालेंगे। प्लीज बतलाइए प्रभु, बतलाइए। गुरुदेव पत्रे को खोल कर देखें और बताइए। गुरुदेव राजन, शास्त्र बता रहा है कि आपका पैर ठीक हो सकता है। कैसे? लेकिन महाराज, जब तक वो गजाला प्रदेश की नागरानी मारी नहीं जाएगी, नागरानी, नागरानी, तब तक आपका पैर ठीक नहीं होगा। नागरानी से तो मैं जब देखो तब नागरानी की आवाज मेरे कानों में गूंजती है। जब भी मैं कोर्ट में दाखिला देता हूँ, सबसे पहले परिचर्चा नागरानी की क्यों होती है? क्या बिगाड़ा है मैंने? क्या चाहती है वो? महाराज, जब तक नागरानी के खून की मालिश आपके पैर में नहीं होगी, तब तक आपका पैर ठीक नहीं होगा राजन। क्या कहा? नागरानी के ब्लड के मसाज करने से ही मेरा पैर ठीक हो? हाँ महाराज, परंतु वो तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि एक महान जादूगरनी, उसका ब्लड कौन ला सकता है? कोई नहीं ला सकता। हाँ, एक काम करो विक्रम सिंह, बड़े एक काम करो, तुम देखो ढिलोरा पिटवा दो, ऐलान करवा दो कि नागरानी को मार करके जो नागरानी का खून ला करके दे देगा, मैं अपने किंगडम को, अपने राज्य को बाइसेक्ट कर दूंगा, आधा राज्य उसी के नाम एग्रीमेंट कर दूंगा। मुझे आधा राज्य नहीं चाहिए, लेकिन नागरानी का खून चाहिए। महाराज, नागरानी को मारने वाला वाकई में इस संसार में कोई नहीं है, और नागरानी को अगर कोई मार सकता है तो वो आपके इसी राज दरबार में इंसान है। राज दरबार में? हाँ राजन, और वो इस वक्त इस भरे दरबार मौजूद है। ये क्या, हमारे कोर्ट में? महाराज, आपके समीप बिल्कुल है, और वही राज नागरानी का खून कर सकता है। सकता है? क्या था? गुरुदेव कहीं हम तो नहीं है? गुरुदेव नहीं बेटा। हाँ? तुम नहीं हो? फिर कौन है गुरुदेव? गुरुदेव हम तो ना हैं। नहीं तो फिर ये सत्य है कि हमारा वफादार विक्रम सिंह ही हो सकता है? नहीं महाराज, नागरानी को मारने वाला कोई और नहीं, आपका बेटा राजकुमार वीर सेन है। राजकुमार, इसके अलावा संसार में कोई माई का लाल पैदा नहीं है जो नागरानी का खून कर दे, और ये कोई मामूली इंसान नहीं, नागरानी के पूर्व जन्म का प्रेमी है, और जवानी के जोशो जुनून में आकर एक बार नागरानी ने अपने हाथों द्वारा अपने ही प्रेमी का खून कर दिया, जिसका पश्चाताप आज तक वो कर रही है। महाराज, ये शास्त्र बता रहा है कि अपनी मौत से नागरानी नहीं मर सकती, उसकी उम्र सैकड़ों वर्ष तक है, और अगर संसार में कोई मार सकता है तो सिर्फ आपका बेटा वीरसेन, और इसके अलावा नागरानी को मारने वाला कोई नहीं है। वाह प्रभु वाह वाह, नागरानी मेरे जान के पीछे पड़ी, और आप हमारे कोर्ट में आकर के आप मेरे बच्चे की जान के पीछे पड़ गए। सारी दुनिया को छोड़ करके सिर्फ आपको मेरा बच्चा मिला है। क्या चाहते हैं कि मैं नागरानी के पास अपने बच्चे को भेज दूं, इसे मरवा दूं? मेरे कहने का मतलब ये नहीं है राजन, मतलब ये है कि नागरानी के पूर्व जन्म का प्रेमी आपका बेटा है, और संसार में कोई मारने वाला नागरानी को है तो सिर्फ आपका बेटा है, इसके अलावा कोई माई का लाल पैदा नहीं है राजन। मेरे राजगुरु, ये चाहे नागरानी का प्रेमी हो, या नाग का अवतारी हो, या नागलोक का अधिकारी हो, ये इस समय मेरा बच्चा है, मेरे कलेजे का टुकड़ा है, और मैं अपने बच्चे को कहीं नहीं जाने दूंगा। मुझे पैर नहीं चाहिए, मैं पैर कटवा दूंगा। मर्जी आपकी है राजन, आपने जो पूछा शास्त्र के अनुसार जो लिखा था मैंने बता दिया, मर्जी आपकी है राजन। मैं आपका सम्मान करता हूँ, आप जा सकते हैं प्लीज।
हमारी गुरुदक्षिणा मंत्री जी। सिपाहियों जी हुजूर, पुरोहित जी को गुरुदक्षिणा देकर के रुख्सत किया जाए। किया क्या हुजूर? अश्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि। विक्रम सिंह महाराज, सुना आपने राजगुरु ने क्या कहा? कौन ऐसा पिता है जो जानबूझ करके अपने बच्चे को मौत के कुएं में डालेगा, जबकि मैं खुद जानता हूं कि नागरानी एक महान जादूगरनी खतरनाक है। जो भी इंसान उसके पास जाता है वो कभी जिंदा वापस नहीं आ पाता है। सम्राट, राजकुमार का बाल बांका नहीं हो सकता, और नागरानी के खून के मालिश से ही आपका पैर ठीक होगा। कुंवर को गजाला प्रदेश जाने की इजाजत दे दे, और कुंवर का कुछ भी नहीं हो सकेगा। पापा, हमारी गलती को क्षमा करना, मैं आपसे कुछ कहना चाहता। बोलो बेटे बोलो। और पिताज गलती माफ हो, अर्ज सुनो एक बार। पिताजी गलती माफ हो, अर्ज सुनो एक बार। और बेटा अपने फर्ज पर मिटने को तैयार। तेरा फर्द क्या है वो मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तेरे को मेरे पास रहना है, तू मेरा बेटा है। पापा, तेरे को कहीं भी नहीं जाना है। जाऊंगा खून को और नागरानी के, मैं जिद करता है गाना रखूं कसर, जब तलक खून उसका हार मिलेगा नहीं, तब तलक लौट कर मैं ना आऊं इधर। हाँ, जब तलक खून उसका हार मिलेगा नहीं, तब तलक लौट कर मैं ना इधर। पिताजी, बेटे के रहते हुए उसका पिता अपने कष्ट पर तन सहे, ऐसे बेटे को जीने को धिक्कार है। ये आपका बेटा जाएगा गजाला प्रदेश और नागरानी को मारकर उसका खून लेकर मैं आऊंगा पापा। अरे बिक्रम जी, क्या देख रहा है तू? तू तमाशा देख रहा है? अरे मेरे बच्चे को रोकता नहीं है, जिद कर रहा है, जिद्दी है, ये बचपन का जिद्दी है, जिद कर रहा, मारा जाएगा। नहीं महाराज, आप कुंवर को इजाजत दीजिए, वो गजाला प्रदेश जाएं और नागरानी का खून लाकर के आपके पैर में मालिश हो और आपका पैर ठीक हो जाए, आप इजाजत दीजिए। मेरे धान वीर सम्राट, कुंवर को जाने दीजिए हुजूर, बाबा का आशीर्वाद है, कुंवर को कुछ नहीं होगा हुजूर, कुंवर को जाने दीजिए हुजूर। अगर सब लोगों की राय है तो जाओ बेटे, मेरा आशीर्वाद, तू सही सलामत आए मेरे पास, सारी भलाओं से मेरा बच्चा महफूज रहे। विक्रम सिंह, जितनी जल्दी हो सके मुझे मेरे आराम गाह तक पहुंचाओ, मुझसे ये दर्द सहा नहीं जा रहा है। सिपाहियों, सम्राट को आराम गाह तक पहुंचाया जाए।
बहुत अच्छा हुआ रे। क्या अच्छा हुआ सम्राट? शूरसेन का एक पैर पत्थर का हो गया, तो बैस गोबर हो गया, यानी सम्राट अबाहिक हो गए, सम्राट किसी काम के नहीं रह गए। और कुंवर? कुंवर गजाला प्रदेश गया है। गजाला प्रदेश हम गए गजाला प्रदेश। वो नाग रानी का खून लाने के लिए गया है। लाने के लिए कुंवर गजाला प्रदेश से वापस नहीं आ पाएगा। नहीं आएगा। एक बात और है। वो कौन है? हटाओ ना सम्राट। शूरसेन की बेटी, बेटी राजकुमारी ज्वाला, ज्वाला शिव के मंदिर पे दर्शन करने गई। अब मुझे करना क्या चाहिए? क्या करना है? शिव के मंदिर की तरफ चलो। क्या करना है? दर्शन करना। और वहीं पर राजकुमारी ज्वाला के ऊपर मोहब्बत का जाल फेंकूंगा। जाल फेंकोगे? अगर वो मेरे जाल में फंस गई तो राजकुमारी जी को मैं अपने सीने से लगाऊंगा। क्या नहीं? और इस दिल की लगी हुई आग आग उसकी जवानी से बुझाऊंगा। क्यों नहीं? दरबारी तुम मेरे साथ आओ। देखो साले दोखी का, ये साला है छिनारा। अब राजकुमारी जी शिव के मंदिर में दर्शन करे गई हैं, साला अपना हुआ जाए रहा शीशा ले दर करे। अरे साले यही करेगा रहा, कौनो बगिया मेलहारी मेरे खेते में मिल लेते हो का, शंकर भगवान के मंदिर पर शीशा ले दर करेगा रहा। लेकिन कोई बात नहीं है, आज शिवरात्रि आए, मेला लाग है, सब लोग मेला देखने जा रहे हैं और यहू के घर भर मेला देखे गए हैं। लेकिन एक साले की एक बहन लगड़ी है, वह मेला देखे ना जाए। तुम साले जाओ शंकर भगवान के मंदिर पर राजकुमारी का लहाओ, हम वही लेंगड़ी का लहाओ। हमका एंगली लेंगड़ी का आवा है, प्यार करे का थोड़ो है, हमका सिखाए का है, वही लेंगड़ी वही मैं सिखाब। अब खोपड़ी खराब है, हमार दिमाग खराब है, हमका मन ही कुछ नज़र थोड़ो आवा थे, हमका चारों का वही लेंगड़ी वही नज़र आवा थे। कहना है अरे दिल तो पागल है बैला गए वही के पीछे। कहना है अरे दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, सारी सारी रात जगाता है यही, आँखियों से नींद चुराता है यही, दिल तो पागल है।